जनपद में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि जनपद में नदियों का जलस्तर सरयू और घाघरा का जलस्तर कम होना शुरू हो गया है। इसके अलावा राप्ती नदी का जलस्तर भी कम हो गया है, लेकिन कभी कभी जलस्तर बढ़ रहा है, जो कि आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। अभी किसी नदी ने खतरे के लेवल तक नहीं पहुँची है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए जनपद में नदियों का जलस्तर जो इस समय है वो अगर देखा जाए अपर कैचमेंट एरिया में जो हमारा सरयू नदी है, घाघरा नदी, वो भी डाउनफॉल होना शुरू हुई है और राप्ती भी अभी डाउनफॉल ही है, लेकिन नदियों में लगातार चढ़ाव उतार बना हुआ है। जैसे आज रोही नदी में थोड़ा सा चढ़ाव दर्ज किया गया है, लेकिन नदियों का जो ये ट्रेंड है वो अभी घटते बढ़ते क्रम में दोनों प्रकार से है और अभी आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। अभी सर अभी क्या लग रहा है? अभी कहीं कोई ऐसी कोई स्थिति नहीं है, नदियां अभी एकदम अपने मेन कोर्स में हैं, कोई नदी अभी तक अपने डेंजर लेवल को क्रॉस नहीं की है। इनफैक्ट राप्ती ने तो अभी तक अपने वार्निंग लेवल को भी क्रॉस नहीं किया है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो नदियां अभी सब अभी सुरक्षित हैं, सभी तटबंध सुरक्षित हैं और सभी तटबंधों के जो अधिशासी अभियंतागण हैं उनसे भी रिपोर्ट ली जा रही है, सभी तटबंध वर्तमान में सभी सुरक्षित हैं।